लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र के वशीरतगंज गणेशगंज वार्ड के निवासियों राम बारात के स्वागत के लिए क्षेत्र के प्रत्येक जगह फूलमाला व राम भक्तों के जलपान की व्यवस्था की गई है। राम बारात की प्रतीक्षा में क्षेत्रवासी, नगरवासी तथा पूरा लखनऊवासी राममय हो गया। राम बारात का स्वागत करने के लिए माननीय उप सभापति पार्षद गिरीश गुप्ता एवं उनकी पत्नी और पार्षद राशि गुप्ता जी तथा समस्त क्षेत्रवासी मनोरमा शुक्ला, संदीप श्रोती, राजेश शुक्ला, निशिकांत, वीरेंद्र गुप्ता, सोनू राजेश गुप्ता, विशाल वाजपेयी पंडित जी आदि ने किया, जिससे पूरा क्षेत्र राममय हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज भारतीय समाचार और इस समय हम लखनऊ, उत्तर प्रदेश के राज्य लखनऊ में ही मौजूद हैं और आज से अयोध्या के कार्यक्रम शुरुआत हो गई है। पांच प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम जगह जगह चल रहे हैं। अयोध्या की बात अगर हम करें तो अयोध्या में एक धूम मची हुई है। देश विदेश से लोग आ रहे हैं और हवाई सेवा हो चाहे रेल सेवा हो, सारी सुविधाएं अयोध्या के अंदर आपको दिखाई दे रही हैं। विदेश क्या, अमेरिका क्या, थाईलैंड, सब जगह की हम बात करें तो लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। तो कोई पैदल पहुंच रहा है, तो कोई पीछे उल्टा होके वहां चल रहा है, तो कोई बाइसिकल से पहुंच रहा है। नए नए तरीके से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं क्योंकि अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान होने जा रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए उप सभापति गिरीश गुप्ता जी हैं और उनकी पत्नी गुप्ता जी हैं। आइए इनसे जानते हैं अयोध्या के बारे में, क्या इनका कहना है और एक स्वागत प्रोग्राम अपने कार्यालय के बाहर ही कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सभापति जी हैं, इनसे जानते हैं। बंधुवर, अयोध्या के मामले में अब हमसे ना पूछिए, पूरे देश से पूछिए और देश छोड़ दीजिए, प्रदेश से पूछ लीजिए। हर जगह जगह एक जनता में उत्साह की लहर है और पार्टी के नेतृत्व ने, हमारे माननीय राजनाथ सिंह ने लखनऊ में आकर के भी 3 दिवसीय मनाया है। उन्होंने जनता से संवाद किया है, सारी समस्याओं का निदान करने वाला हमारा नेतृत्व को हम आभार व्यक्त करते हैं और ये कहते हैं कि वास्तव में पूरे भारत में राममय, गली गली राममय हो रहा है। पूरे मंदिरों में 22 तारीख को आप देखिएगा भजन कीर्तन, भंडारे इत्यादि कार्यक्रम हो रहे हैं। जनता ने इसको अपने हाथ में ले लिया है और ये ऐतिहासिक कदम होगा। श्री गुप्ता जी, आप हमारे साथ हैं। अयोध्या को लेकर चारों तरफ धूम मची हुई है और दूर दूर से लोग आ रहे हैं, आपका इसमें क्या कहना है? विपक्षी पार्टी बराबर हमला कर रही है क्योंकि उनको मौका नहीं मिला है, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार को मौका मिला है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा सबसे पहले, मैं आशीष जी गुप्ता, मैंने यही कहना है कि मेरे माननीय मोदी जी, हमारे योगी जी ने जो संकल्प लिया था भगवान श्री राम अयोध्या मंदिर बनने के लिए, वो आज पूर्ण हो चुका है। तो विपक्ष इसलिए परेशान है, उन्होंने वो जागृत पैदा कर दी हर मनुष्य के दिलों में, नहीं कण कण में भगवान राम बसे हुए हैं। हमारे माननीय योगी जी देवी काली से आज यात्रा शुरू हो रही है और हर जगह जगह पे इसका स्वागत हो रहा है। उसी लक्ष्य में हम भी स्वागत कर रहे हैं भगवान राम के आने से। 500 साल बाद आज भगवान राम अपने स्थान पे आ रहे हैं और ये जो उन्होंने जागृत पैदा की मनुष्य के दिलों में, नहीं हर कण कण में उनके अंदर भगवान राम प्रकट हो चुके हैं। इसलिए उस उत्सव मनाया जा रहा है। अब दीपावली एक नहीं दो मनाई जाएंगी, इसलिए मैं अपने माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, जो उन्होंने, राजनाथ सिंह जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने, जो मनुष्यों के दिलों में जो भगवान राम की को जागृत नहीं किया, उन्होंने सबके दिलों में भगवान राम जग गए हैं और हर कण कण में भगवान राम जगे हुए हैं। इसलिए मैं, हम लोग सभी लोग बहुत ही प्रसन्न है इस बात को लेकर कि मैं भगवान राम 500 साल बाद अपने स्थान पे आ रहे हैं और सबके दिलों में खुशी की लहर है। आज से कार्यक्रम स्टार्ट हो गया, कब तक चलेगा, कितने समय के लिए? पूरे हिंदुस्तान में धूम मची है, क्या लोग अब दिवाली में एक त्योहार मनाते थे, क्या अब दो त्योहार बनेंगे? ऐसा कुछ इतनी धूम मची हुई, तो ये तो जिस दिन से भगवान राम का निर्णय आया था कोर्ट से, उसी दिन से दिलों में सबके जागृत पैदा हुई भगवान राम का मंदिर बन रहा है। और लेकिन आज से यात्रा जो माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह जी 3 दिन के दौरे में यहाँ रहे थे, सबके दिलों में जो उन्होंने जागृत पैदा की है और माननीय योगी जी ने आज इसका नेतृत्व शुरू किया यात्रा का, ये 22 तारीख तक रहेगा और 10 बजे से लेके 12-1 बजे तक हर जगह इसका उत्सव मनाया जाएगा, हर घरों में मनाया जाएगा, दीप प्रज्वलित होगा, दीपावली उस दिन भी मनाई जाएगी और हर घर में ये दीप जलेगा। जो लोग नहीं अयोध्या जा सकते हैं, जो नहीं जा रहे हैं, वो अपने घर ही में ही भगवान राम का करेंगे स्थान। तो शशि को बताया कि अब दिवाली तो हम लोग एक बार मनाते हैं, अब एक बार फिर मौका मिला है, प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं, दो बार ऐसा मौका सबको मिलने जा रहा है। और अभी आपने देखा कि दिवाली का कार्यक्रम जो था बहुत जल्दी निकला है, मगर फिर लोगों को मौका मिला है दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए क्योंकि उनके यहाँ प्रभु श्री राम आ रहे हैं। विपक्षी पार्टी बराबर हमला करती रहती है, पर जब समय था मौका उनको भी मिला पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अब हमला कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है।
डबल इंजन की सरकार बराबर लगी हुई है प्रभु श्री राम को उनके दरबार में लाने के लिए और विराज मांग करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अजमी अलमी के साथ मैं सौरभ पांडे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।